अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं क्रोशो वर्ड से आपके साथ आज हाज़िर हूँ। मैं आज इंशाल्लाह आपके साथ एक नया डिज़ाइन शेयर करती जाऊँगी। और इसके अलावा मेरा अगर किसी ने चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे फर्दर नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोज़ हैं आपके साथ टाइम से शेयर होते जाएँ और आप तक पहुँच सकें। आप देख सकते हैं ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा ये मैंने एक शेल स्टिच बनाया है। ये मेरा बैकपैक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। ये आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा है। इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेस मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से ये इसके बॉटम में मैंने पिंक, नीचे तो मैंने स्किन यूज़ किया है, स्किन बेसिक वैसे ही राउंड में आप जो बेसिक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके ऊपर किसी भी आप राउंड बैग का स्टार्ट करते हैं, ये वो है। उसके बाद मैंने पिंक में शेल स्टिच ही बनाया है, लेकिन ये डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सिंगल कलर में है और उसके बाद ऊपर मल्टी कलर्स में मैंने काम किया है। इसके बाद मल्टी कलर्स में आपको चेंज इसलिए लग रहा है कि वो कलर कम्बिनेशन की वजह से आपको अच्छा लग रहा है। शेल स्टिच का यही फ़ायदा है, आप किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ करें, जिस तरह से मैंने अब बॉटम में यूज़ किया है। फिर उसके बाद आपको दो टाइप्स के एक ही बैग में लुक मिल गई है जी। आप देख सकते हैं कि शेल स्टिच का यही फ़ायदा कि अगर आप सिंगल कलर में बनाएंगे तो उसकी एक अलग लुक आएगी, इसी तरह से अगर आप मल्टी कलर्स में ये एक चीज़ बनाएंगे शेल स्टिच को तो इसकी एक और लुक अलग आएगी, अच्छी लगेगी इसकी लुक। इसके साथ मैंने डोरी ऐड की है, बीट्स ऐड किए हैं, इसकी वजह से इसकी लुक में इजाफा हो गया। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और आपको टाइप दिखाती हूँ, जिस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है ये सिंगल कलर के साथ, ये मल्टी कलर के साथ, इस तरह मैं टू कलर्स कम्बिनेशन के साथ आपको दिखाती हूँ। ये एक फीडर कवर बनाया था मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये टू कलर कम्बिनेशन है और ये शेल स्टिच ही है और इसकी अपनी लुक है। इस तरह से मैं आपको पहले बता रही थी कि सिंगल कलर की अपनी लुक है, मल्टी कलर्स की, और ये टू कलर्स कम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज चले मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस हम करते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे शेल स्टिच को। आए अपना काम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक ये प्लेटफॉर्म से बना ली है जिसके ऊपर मैं अब काम करूँगी। ये मैं आपको एक ओरली इसका बता देती हूँ, इसमें मैं कितने स्टिचेस लिए हैं एक आपको आइडिया बता देती हूँ मैं, जैसा कि आपको जो बिगनर्स होंगे उनको इतना आइडिया होगा कि इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, इसको हमने कंटिन्यू कैसे किया हुआ है। इसी तरह से मैंने लिए हैं चेन फाइव के ऊपर मैंने 12 डबल क्रोशिया लिए हैं। अगर आपको मैजिक रिंग का आइडिया है तो आप मैजिक रिंग के साथ बना सकते हैं। मैंने 14 डबल क्रोशिया लिए थे टू चेन्स के साथ, मेरे पास 15 टोटल डबल क्रोशिया होगी। इसके बाद मैंने हर स्टिच में टू डबल क्रोशिया ऐड किए तो मेरे पास एक ही राउंड सर्कल सा बन गया है, आप देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि हमने शेल स्टिच को डेवलप कैसे करना है इस पर। मैं अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपना काम स्टार्ट करने के लिए या ऐसा करते हैं, मैं अपना कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको कोई डाउट भी ना रहे जी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर को इसलिए ऐड किया है ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ, आपको कोई डाउट ना रहे इस चीज़ में कि डिज़ाइन की आपको समझ ना आए। आए अब चेन थ्री से स्टार्ट करते हैं अपना काम। और इसको स्टार्ट करने के लिए मैं लूँगी जो मेरी चेन थ्री के नेक्स्ट चेन थी उसके अंदर मैं लूँगी 4 डबल क्रोशिए, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट जो मैंने चेन्स ली थी उनको अगर मैं काउंट करूँ टोटल मेरे पास 5 डबल क्रोशिए वर्क कर रहे हैं इस टाइम, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं बॉटम में से 1 2 चेन स्किप करूंगी और थर्ड चेन में मैं लूँगी सिंगल क्रोशिया। ये मेरा पहला शेल स्टिच बना है। इसके बाद मैंने 2 चेन स्किप की हैं और मैंने एक सिंगल क्रोशिया ऐड किया है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट करूँगी स्किप 2 चेन्स फ्रॉम बॉटम। उसके बाद जो थर्ड चेन है उसमें मैं फिर से शेल स्टिच बनाऊँगी। शेल स्टिच बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं 5 स्टिचेज़ ऐड करूँगी, इसी तरह से मैं अपने 5 स्टिचेज़ ऐड करूँगी, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 स्टिचेस ऐड किए हैं। इसके बाद मैं स्किप करूँगी 1 2 2 स्टिचेस मैंने स्किप किए हैं, 2 चेन्स यानी मैंने स्किप की हैं। थर्ड चेन में मैं यूज़ करूँगी सिंगल क्रोशिया ऐड करूँगी, उसके बाद मैं फिर 2 चेन स्किप करूँगी और थर्ड चेन में मैं फिर से 5 डबल क्रोशिया यानी मैं अपना थर्ड शेल स्टिच ऐड करूँगी। मैं फिर आपसे दिखाती हूँ आपको आगे आपने नेक्स्ट क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास इससे नेक्स्ट जो आएगी चेन 2 के बाद
उसमें मैं करूँगी सिंगल क्रोशिया और मैं फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से अगर मैं आपको रख के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए इजी करने के लिए बैक पोस्ट नहीं लिया ताकि सबको प्रॉपरली समझ आ जाए, वरना मैं अगर अपने लिए रेगुलरली बनाऊँ तो मैं फिर बैक पोस्ट लेती हूँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास शेल बन गए हैं। एक मैं शेल लूँगी, एक मैं लूँगी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से मैंने राउंड कंप्लीट किया है। अब मेरा यहाँ पे राउंड ख़त्म हो गया, मैंने स्लिप स्टिच की है। स्लिप स्टिच करने के बाद मैं नेक्स्ट राउंड इसी तरह से स्टार्ट नहीं कर सकती, मैं स्किप करूँगी 1-2 चेन्स और मैं अब ये जो 5 डबल क्रोशिया थे इसके सेंटर में यानी थर्ड डबल क्रोशिया के आ जाऊँगी। 2 मेरे राइट साइड पे और 2 मेरे लेफ्ट पे रह जाएंगे। जैसे हमारे पास 5 डबल क्रोशिया का शेल बनता है, जो मिडल वाला हमारा डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर हम चेन बन लेंगे। अगर मैं आपको दोबारा से सेपरेट कलर से समझाऊँ तो मैं फिर ऐसे ही करूँगी, चेन बन लूँगी और सिंगल क्रोशिया करूँगी। इस टाइम हमने करना क्या है, इस दफ़ा हमने ये करना है कि हमने शेल के ऊपर जो टॉप पे सिंगल क्रोशिया लेना है और जो हमारा नेक्स्ट शेल के बाद सिंगल क्रोशिया था उसमें हम लेंगे 5-5 स्टिचेस, यानी शेल हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर। मैं आपको फिर से बताती जाऊँ हमने स्लिप स्टिच इसलिए इधर किया था ताकि हम इस सिंगल क्रोशिया से क्रॉस करके इस टॉप पे आ सकें, यानी हम लोग शेल स्टिच के थर्ड स्टिच पे आ सकें। इसके लिए हमने स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने कलर चेंज किया है और मैं इस पे लूँगी चेन वन लेने के बाद मैं लूँगी सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैं कैसे क्या करूँगी, मैंने अब शेल स्टिच बनाना है। शेल स्टिच नेक्स्ट बनाने के लिए मैं जो मेरे पास सिंगल क्रोशिया है लास्ट प्रीवियस रो का, इसको इसके अंदर मैं वर्क करती जाऊँगी। इसके अंदर मैं एक शेल बनाऊँगी, यानी मैं 5 डबल क्रोशिया ऐड करूँगी सिंगल क्रोशिया में। इस टाइम हमने इस रो के अंदर हमने ऐसे वर्क करना है, 2-3-4 इसी तरह से 5। ये आप देख सकते हैं इसी तरह से मेरी सीक्वेंस आती जाएगी। ये मेरे पास ग्रीन में शेल थे, अब मैं जो ये वाला राउंड कर रही हूँ मैंने पिंक में कर रही हूँ। अब फिर से आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ कि मैं काउंट करूँगी अपने स्टिचेस को, जो मेरे पास शेल स्टिचेस हैं उनको मैं काउंट करती जाऊँगी 1-2-3। जो मेरा थर्ड ये वाला है इस पर मैं करूँगी सिंगल क्रोशिया। हर शेल के टॉप पे मैं करती जाऊँगी सिंगल क्रोशिया, इस शेल के टॉप पे मैं करूँगी सिंगल क्रोशिया, ये जैसे आप देख सकते हैं, और दोनों शेल्स के दरमियान मैं करूँगी शेल स्टिच। ये शेल के टॉप पे मैं करती जाऊँगी सिंगल क्रोशिया और दो शेल्स के दरमियान मैं एक और शेल क्रिएट करूँगी। जी इसी तरह से मैं आपको बताती जाती हूँ कि मैं हर शेल स्टिच के टॉप पे सिंगल क्रोशिया करूँगी और दो शेल्स के दरमियान मैं एक और शेल क्रिएट करूँगी, तो मेरी ये सीक्वेंस बनती जाएगी डिज़ाइन की, यानी मेरा शेल स्टिच बनता जाएगा। और ये अगर मैं डिफरेंट कलर्स के साथ करूँ तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके अलावा हम वन कलर के साथ करते हैं, उसकी अपनी लुक आती है। जिस तरह से आपको लाइक हो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने फिर शेल के ऊपर टॉप पे सिंगल क्रोशिया लिया है। अब दो शेल्स के दरमियान मैं एक और शेल क्रिएट करूँगी, 3-4 ये मेरी 4th और ये मेरा 5 स्टिच। ये देखे मैंने ऐसे बनाती जा रही हूँ मैं और मेरे पास ये शेल्स बनते जा रहे हैं ऐसे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा राउंड भी कंप्लीट होने वाला है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और दूसरा आप देख सकते हैं इसकी नीटनेस, इसकी खूबसूरती, और आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको आपने कैसे कैरी करना है, कैसे इसको क्रिएट करना है इस स्टिच को। और दूसरा ये आप देख सकते हैं ये मैं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। ये मैं फीड रिकवर के लिए बना सकती हूँ, मैं किसी बैग के लिए बना सकती हूँ ये वाला स्टिच। जैसे अगर आप इसका सर्कल राउंड को बड़ा करेंगे तो आप एज इट इज़ लेते जाएंगे और आपकी बैग बन जाएगी, जिस तरह से मैंने अभी आपको प्रीवियसली दिखाया था अपना मल्टी कलर्स में एक बैकपैक, उसी तरह से ये बन सकता है। ये फीडर कवर के लिए आप बना सकते हैं, जिस तरह से आजकल ट्रेंड आया हुआ है क्रोशिए के और निटिंग के, काफ़ी ये बैग्स ही होते हैं जिसमें हम बॉटल को कैरी करते हैं, जिस तरह हमारे स्कूल गोइंग
बच्चे हैं, हमने उनके उनके बॉटल कैरी करने के लिए एक बैग की तरह बनाना है, होल्डर सा। आप इसके अंदर बॉटल डाल सकते हैं, ये मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। आप इसको इस तरह बनाएं और फिर मुझे मेरे से शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्टिच को बनाने में। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मेरा स्टार्ट आ गया, मतलब मेरी इस रो का एंड और मेरा स्टार्ट दोनों साथ साथ आ गए हैं। अब मैंने इसको करना ये है कि मेरा पहला जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे, इसके अंदर मैं करूँगी इसको स्लिप स्टिच, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर मैंने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है तो वो मैं इधर से इसलिए कर सकती हूँ कि मुझे स्किप नहीं करना पड़ेगा। अब एज़ इट इज़ मैं इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर शेल स्टिच बनाऊँगी। शेल स्टिच बनाने के लिए मैं फिर से 5 स्टिचेस लूँगी। बस ये शेल स्टिच और सिंगल क्रोशिया का कॉम्बिनेशन है, तो आपका शेल स्टिच आपका बन जाता है। बस ये इसमें दो बेसिक ये चीज़ें हैं कि एक शेल स्टिच आएगा और एक सिंगल क्रोशिया आएगा, तो आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा, आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप बनाते जाएंगे, इंशाल्लाह अपने कमिंग वीडियोस में मैं और आपको आइडियाज़ देती रहूँगी, जिस तरह मैं काम कर रही हूँ ऑर्डर्स के लिए भी और अपने हाउस होल्ड के लिए, मुझे बेसिक जो मेरे डेकोरेशन के लिए या काफ़ी बेसिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं खुद बनाती हूँ, और मेरा रूम मेरा होता है आइडिया कि मैं अपने रूम को डेकोरेट करूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे वो भी शेयर करती जाऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ये आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा सा मेरा शेल स्टिच बनता जा रहा है। जी, अब आप देख सकते हैं ये मैंने फीडर कवर इसी तरह से बनाया जिस तरह से मैंने आपको बताया है, और इसके एंडिंग पे मैंने ये पूरा राउंड स्लिप स्टिच किया है, जिसकी वजह से आपको ये बड़ा नीट सा एक लुक दे रहा है। सिर्फ इसमें ये चेंज है और सेम एज़ इट इज़ जैसे मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया है, ये डिज़ाइन इसी तरह से आप बना सकते हैं। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपनी कमेंट्स से अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि मुझे आइडिया हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।